भेड़ियों को मारने के लिए गोली मारने का आदेश जारी किया गया। तो अगर वो नहीं पकड़े जाएंगे तो उन्हें मार देना चाहिए, तो उनमें से चार पकड़े जा चुके हैं। भेड़िया पकड़ में नहीं आता है, किसी को मार देना है ऑर्डर गलत नहीं, और दो को और पकड़ना है, लेकिन वो दो हम लोग अभी तक नहीं पकड़ पाए इतनी कोशिश के बाद भी। अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आता है और वो अटैक जिस तरह से करता है ऐसे ही करता रहने दें, ये भी तो मुमकिन नहीं है, किसी को मार देना है ऑर्डर गलत नहीं। अच्छा, लेकिन हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे पकड़ लें, नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके लिए ये नहीं करेंगे। सर दूसरा है कि डीएफओ वाघवान को हटा दिया गया वहाँ। अभी किसी डीएफओ को हटाया नहीं गया। इतनी बड़ी संख्या में भेड़िए हैं तो उनको अगर पकड़ते भी हैं, कैप्चर भी करते हैं तो उनका क्या किया जाएगा? देखिए ऐसा है, भेड़िए जो हम पकड़ रहे हैं वहाँ पे सिर्फ 6 भेड़िए थे जो कि हमारे ड्रोन में आए हैं जी, तो उनमें से 4 पकड़े जा चुके हैं और दो को और पकड़ना है, लेकिन वो दो हम लोग अभी तक नहीं पकड़ पाए इतनी कोशिश के बाद भी, और फिर भी वो अटैक भी कर रहे हैं कई लोगों। अभी एक बच्चे को परसों मार दिया, एक महिला पे किया, तो जब इस तरह के कर रहे हैं तो अगर वो नहीं पकड़े जाएंगे तो उन्हें मार देना चाहिए। आदेश जारी हुआ है? जी हाँ, आदेश ये हुआ है कि उनको पकड़ने का हर मुमकिन प्रयास करना चाहिए, और हम लोग कर रहे हैं उन्हें पकड़ने का, लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे तो वो इसी तरह के हमले करते रहे, ये भी तो हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। अभी आप पीलीभीत के अफसरों की तारीफ कर रहे थे, पीलीभीत के जंगल में शिकारी घुस जाते हैं, शिकार करते हैं, सुबह तक जो रेंजर हैं वो जानकारी ही नहीं देते हैं उच्च अधिकारियों को, नतीजा होता है कि सुबह शिकारी बंदूक छीन कर ले जाते हैं, तब जाकर अफसर हरकत में आते हैं, तो इस लापरवाही पर क्या कहेंगे? देखिए जिन्होंने इस तरह की लापरवाही की उनकी जाँच हो रही है, कार्रवाई होगी जरूर। सर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी दो दिन के बाद वापस शिकारी, पता लगा मुझे कि जंगल में शिकारी घुसे, मैं उसी दिन अगले दिन यहाँ आ गया और मैंने यहाँ आके यही कहा कि हर हालत में शिकारी पकड़े जाने चाहिए और तुरंत पकड़े जाने चाहिए। मैं यहाँ की पुलिस की और अपने विभाग की सराहना करूँगा, उन्होंने दो दिन के अंदर दूसरे दिन भी जंगल से पकड़े गए वो शिकारी, जंगल में घुस गए थे, कहीं भी पकड़े गए, पकड़ तो गए शिकार करने के दौरान ही दोबारा पकड़े गए, पकड़ तो गए और उनके खिलाफ अब जेल में। सर जिले में आप आए जी, क्या दिशा निर्देश आपने दिए? देखिए हमारा दिशा निर्देश यह है कि एक तो हम चेन फेंसिंग और कर रहे हैं ताकि टाइगर इधर ना आ पाए, दूसरी चीज़ हम लोगों से कह रहे हैं जंगल के अंदर मत जाओ, सुबह को शौच के लिए जंगल में मत जाओ, अकेले दुकेले बच्चे ना जाएं, और टाइगर अगर कहीं भी हो तो बाघ मित्रों से कहा गया है कि पूरे इलाके में सूचना दें कि यहाँ पर टाइगर है, रात में लाइट जलती रहे ताकि लोगों को पता लगे, अगर कहीं पर जरा भी है तो डुगडुगी बजाओ, लेकिन लोगों को सूचना जरूर दो कि भाई टाइगर है, इससे बच के रहो। सर वोचरों की कई बार समस्या देखने को मिलती है कि लंबे अरसे तक उन्हें उनके जो मानदेय है, जो उनका दैनिक वेतन है, उसका भुगतान नहीं होता, एक बड़ी समस्या। अगर जिनका नहीं है उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जल्दी दिया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।